नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार पुरस्वानी और फिर से एक बार स्वागत है आपका गॉड ऑफ गिज़मोस में। मैं आज आपको YouTube की 8 ऐसी चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जिनके बारे में शायद आपको पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। चलिए हम चलते हैं अब YouTube पर। हमें YouTube खोलते ही उसके सर्च बार में लिखना है डू द हार्लेम शेक और अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाना है या फिर बाजू में दिए गए मैग्नीफायर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे सर्च पर, एक म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा और आप 30 सेकंड वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी YouTube की स्क्रीन अजीब तरीके से हिल रही है। यह चीज़ सिर्फ 30 सेकंड तक ही होगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप 30 सेकंड वेट करें और देखें कि क्या क्या हो रहा है। फरवरी 2013 में बहुत सारे वीडियोस YouTube पर अपलोड होते थे जिनमें कि कई लोग कॉमेडी स्केचेस बनाते थे और उसके पीछे यह गाना चलता था। शायद इसी कारण YouTube ने इसे सर्च होने पर ऐसा कुछ कर रखा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले YouTube सीक्रेट की तरफ, जो कि है यूज द फोर्स लूप। इसमें आपको अपने ब्राउजर पर YouTube खोलना है और सर्च बार में लिखना है यूज द फोर्स लूप। जी, मैं इसकी स्पेलिंग भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो रिफर कर सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे यूज द फोर्स लूप और मैग्नीफायर पर सर्च करेंगे या एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड पर, तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह हिलने लगेगी और यह इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक कि आप कोई वीडियो चला ना लेते हैं या फिर कुछ और सर्च ना कर लेते हैं। फोर्स लूप कुछ कुछ स्टार वॉर से संबंधित है जिसके बारे में मैंने खोज की पर मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी ना मिली। तो आप चाहें तो ये इंटरेस्टिंग थिंग अपने YouTube पर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ें जानकर बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आगे ज़रूर देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले YouTube सीक्रेट की तरफ। इसके लिए हम फिर से YouTube पर जाएंगे, वहां मैं आपको अपने चैनल पर ले चलूंगा और एक वीडियो प्ले करूंगा। जैसे ही वो वीडियो प्ले हो रहा होगा, मैं अपने कीबोर्ड पर टाइप करूंगा ऑसम, जिसकी स्पेलिंग है AWESOME। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। जैसे ही मैं ऑसम टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव बार है मेरे वीडियो में वो चमकने लगेगा और जो मेरी वीडियो की क्वालिटी को दर्शाता है वो भी कुछ कुछ चमकने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं HD। अगर मैं अब इस वीडियो को रोककर कोई दूसरा वीडियो भी चलाऊंगा तब भी वो प्रोग्रेसिव बार चमकता रहेगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले YouTube सीक्रेट की तरफ। इसके लिए आपको YouTube खोलना है और उसके सर्च बार पर लिखना है Webdriver Torso। Webdriver Torso की स्पेलिंग चाहे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। Webdriver Torso लिखते ही आपको मैग्नीफायर पर क्लिक करना है या फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर करना है। जैसे ही Webdriver Torso सर्च होगा, आपके सामने एक लाल बॉक्स आ जाएगा। Webdriver Torso एक चैनल है जिसपे हर 15 मिनट, 7 मिनट, 1 घंटे में एक वीडियो अपलोड होती है, जो कि कुछ लाल बॉक्सेस, कुछ नीले बॉक्सेस, ऐसे सब रहता है उस वीडियो के अंदर और कुछ आवाज़ें आती रहती है। यह एक रहस्यमय चैनल है जिसके बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई थी। इसके बारे में मैंने जानकारी निकाली तो यह पता चला कि यह एक गूगल यूट्यूब का चैनल है जिसमें कि यूट्यूब टेस्टिंग करने के लिए गूगल डेवलपर्स, यूट्यूब डेवलपर्स कुछ वीडियोज डालते रहते हैं ताकि उसकी क्वालिटी चेक कर सकें। शायद ऐसा चैनल आपने पहले कभी देखा ना होगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले YouTube सीक्रेट की तरफ। इसके लिए आपको YouTube खोलना है और YouTube के सर्च बार में लिखना है Doge Meme। आप चाहें तो इसकी स्पेलिंग नीचे डिस्क्रिप्शन से रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आप YouTube के सर्च बार में Doge Meme लिख के एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग रंगों में कॉमिक सेंस फॉन्ट्स में आपको सर्च दिखेगी जिसमें कि कुछ कुत्ते के वीडियोज हैं।
डॉज मैम कुछ 2013 में वायरल हुआ था, उसकी वजह से यूट्यूब ने ये चेंजेस कर रखे हैं। जब भी आप डॉज मैम सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, पर जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे कोई भी, तो ये कलर्स चले जाएंगे और आपको नॉर्मल यूट्यूब दिखने लगेगा। डॉज मैम की कुछ तो कहानी भी है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वो कहानी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ YouTube के कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है GodOfGizmos। मैं अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो प्ले करता हूँ, मैं आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिखाने के लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल लेता हूँ अपने मशीन पर, ताकि आप देख सकते हैं जैसे ही हम कीबोर्ड पर कुछ कीज प्रेस करते हैं तो वो किस तरह YouTube पर वीडियोस प्ले पॉज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने के की दबाई तो वीडियो पॉज हो गया, जैसे ही मैं जे की दबाता हूं तो वीडियो 10 सेकंड के लिए पीछे जाएगा, जैसे ही मैं एल की दबाऊंगा तो वीडियो 10 सेकंड के लिए आगे जाएगा। और जैसे ही मैं राइट एरो की दबाऊंगा तो मेरा वीडियो 5 सेकंड के लिए आगे जाएगा, जैसे ही मैं बैक एरो की दबाऊंगा तो वीडियो 5 सेकंड के लिए पीछे जाएगा। आप ये अपने नॉर्मल कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपने यूट्यूब ऐप पर फुल स्क्रीन मोड में राइट साइड में डबल क्लिक करेंगे तो वो 10 सेकंड के लिए आगे जाएगा, और अगर आप लेफ्ट साइड डबल क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो 10 सेकंड के लिए पीछे जाएगा। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले YouTube सीक्रेट की तरफ, आप चाहें तो इसे YouTube फीचर भी कह सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, आप YouTube पर अब 360 डिग्री वीडियोस देख सकते हैं, जो कि वर्चुअल रियलिटी के लिए भी काम आता है, जिसे कि VR बॉक्स भी कहा जाता है। यह वीडियोस देखने के लिए आपको YouTube पर जाना है और YouTube पर सर्च बार में लिखना है 360 वीडियो, जिसका मतलब है 360 डिग्री वीडियो। जैसे ही आप 360 डिग्री वीडियो लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सब 360 डिग्री वीडियोस आपके YouTube पर दिखने लगेंगे। मैं आपको यहाँ एक 360 डिग्री वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे 360 डिग्री वीडियो प्ले होगा तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड टॉप पे कैमरा एडजस्ट करने के लिए आपको एरो कीज दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल करके कैमरा एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो पर क्लिक करके उसको ड्रैग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्क्रीन पर अब कर रहा हूँ। दोस्तों आप कैमरा का एंगल वीडियो चलते हुए भी बदल सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी बदल सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले YouTube सीक्रेट की तरफ, जो कि है YouTube का न्यू UI। अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है तो आपने ऐसा UI पहले देखा होगा। इसके लिए आपको URL बार में टाइप करना है http://www.youtube.com/leanback या फिर www.youtube.com/tv। तो आपको एक अलग UI दिखेगा YouTube का, जिसे कि आप पूरी तरह से अपने कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने एरो की से जो चाहे वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अपने कीबोर्ड पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो वीडियो प्ले होने लगेगी। और जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पर एस्केप दबाएंगे, एस्केप की दबाएंगे तो वीडियो स्टॉप हो जाएगी, आप वो वीडियो से बाहर आ जाएंगे। ऐसा सेम UI मेरे LG स्मार्ट टीवी पर भी दिखता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरा ये वीडियो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो शेयर करते रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।